हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज डालती रहती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग वीडियो देखना हो तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉन्ग हेयर कट। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। पहले मैं इनके बालों को गीला करूँगी। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है और बाल भी बहुत हल्के हैं, बट उलझ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इसीलिए गीला करें ताकि बालों में अच्छे से जो भी टेंगल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इनके बालों को सुलझा लिया है। जब आपको लगे कि बाल अच्छे से सुलझ चुके हैं, टेंगल सारे रिमूव हो चुके हैं, उसके बाद आपको बालों की बीच से मांग निकाल लेनी है। लेंथ कितना निकल रहा है वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से बीच से मांग निकालेंगे पहले बालों की और फिर से अच्छे से कॉम करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बालों को फिर से सुलझा ले रही हूँ। और कितना लेंथ निकालना है, फ्रंट बैंक से भी हेयर कट करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो बैक से मैं इनका स्ट्रेट कट करूँगी और बैंक्स कैसा कट करें। बैंक्स बहुत ही ब्यूटीफुल कट हुए थे, तो देख लीजिएगा कैसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो नीचे से इनके बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं और इनके बालों में वॉल्यूम दिखाने के लिए इस तरीके से कट कर रहे हैं। वॉल्यूम के लिए आप एडवांस लेयर स्टेप वगैरह भी कट कर सकते हो, लेकिन इनको स्ट्रेट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कट ही कर दिया है। तो देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट हो चुका है। अभी हम इनका फ्रंट से बैंग से हेयर कट करेंगे। तो बैंग्स के लिए इनको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं चाहिए, मीडियम में बैंग से हेयर कट करना था। तो पहले इन्होंने बोला लेयर में कट, पहले मैंने मतलब ऊपर से कट करना था जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैंग आ जाता है। फिर इन्होंने बोला कि लेयर्स में रख दीजिए और फिर इन्होंने बोला कि जैसे आप कट कर रहे थे वैसे कर दो, तो मैं वैसे ही करूँगी। तो यहाँ से पहले मैंने लिया था, फिर ये बोल रही हैं कि ऐसे चाहिए मुझे लेयर्स में। तो मैंने सोचा ईयर टू ईयर पार्टिंग करके कट करते हैं तो वुल लेयर्स में आ जाता है, बट इन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे साइड्स बैंग्स चाहिए। तो फिर जैसे मैंने लिया था वैसे ही ले लूँगी और फिर कट करूँगी बालों को। तो इस तरीके से वी शेप बना लेना है एकदम सेंटर में, इस तरीके से यू भी बना लोगे तो चलेगा। उसके बाद से अपना लेंथ देख लीजिए कि कितनी लेंथ पे चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट। आपको जितना लेंथ चाहिए उस हिसाब से कट करना है। तो इनको नोज तक लेंथ चाहिए था, स्टार्टिंग लेंथ नोज तक चाहिए था, बाकी लेयर्स में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिप्स से कट करूँगी तो नोज तक आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया है, फिंगर में इस तरीके से स्ट्रेट पकड़ा है और सिंपली कट कर देंगे। और मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए फाइनल लुक देख लीजिए। तो ये है इनका बैंग्स का फाइनल लुक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और बैंग्स भी अच्छा लग रहा हो। अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, प्रीत तिवारी 24। और ये है फ्लोर पे गिरे हुए हेयर, इतने ज़्यादा हेयर कट हुए थे।